नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। ये रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। उत्तराखंड के लाल कुआं बिंदुकता को राजस्व गांव बनाए जाने की मांग को लेकर आज बिंदुकता के दर्जनों लोगों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सांकेतिक उपवास रखा। यहां पूर्व विधायक प्रत्याशी रज्जी बिष्ट के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने बिंदुकता राजस्व गांव बनाए जाने की मांग को लेकर कार रोड स्थित शहीद स्मारक पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए उपवास रखा, जिसमें प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की गई। लेकर आज पुनः एक बार हम सांकेतिक उपवास रखा यहाँ पर शहीद स्मारक कार रोड पर, और इस सांकेतिक उपवास के माध्यम से हम शासन प्रशासन को अवगत करना चाहते हैं, अवगत करा देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द बिंदुकता की इस मुख्य समस्या को समाधान किया जाए, इसको सुलझा लिया जाए, अन्यथा हम जनप्रतिनिधियों का विरोध करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा। एक सप्ताह का टाइम देने के बाद हम लोग तहसील मुख्यालय पर एक दिन का सांकेतिक उपवास रखेंगे। अगर फिर भी इन्होंने हमारी मांग नहीं की तो 26 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और जो भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का हो, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे किसी पार्टी का हो, आज अगर बिंदु खत्ते की बात उसे पीछे हट रहा है, बिंदु खत्ता राजस्व गांव के मुद्दे से पीछे हट रहा है, तो हम लोग उसका घोर विरोध करेंगे। आज समय पर उसको बिंदु खत्ता में नहीं घुसने दिया जाएगा। मेरा तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार को एक ही वो है कि वादा निभाओ, बिंदुकत्ता को राजस्व गांव बनाओ। इनने 2017 विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि हम बिंदुकत्ता को राजस्व गांव बनाएंगे। इनने अपने वादे से मुकरते हुए हमें नजर आ रहे हैं, और आज 4 साल हो गए हैं, ये कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। बिंदुकत्ता के लोगों के साथ अनदेखी की जा रही है, और इस अनदेखी का इनको हमारी बिंदुकत्ता की जनता रोड सड़कों में उतर कर जवाब देगी, और उसकी जवाबदेही सारी इनकी रहेगी। और दूसरी बात, एक और चीज़ बताना देना चाहता हूँ, यह सरकार अपने आँख में पट्टी बांध के बैठी हुई है। इसको अपने सरकारों को बनाने गिराने उससे मतलब है, और बाकी जनता से कोई मतलब नहीं है। और इनने टेहरी के विस्थापन वालों को जिस विस्थापन जहाँ जिन गाँव में किया था उनको राजस्व गाँव कर दिया, उसी मुहिम पर भी बिंदुकत्ता को राजस्व गांव बनाते तब भी हम कहते कि हाँ सरकार देख रही है और अपने फायदे के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। और बिंदुकत्ते में जहाँ पर 80% सैनिक लोग हैं, उस क्षेत्र की अनदेखी करने पे तुले हुए हैं लोग। मैं इन लोगों को इतना सचेत कर देना चाहता हूँ कि बिंदुकत्ते की एकता को तोड़ने का प्रयास भी इन लोगों ने किया था। बिंदुकत्ते में एक आगे करने जा रही है, आगे की हमारी रणनीति रहेगी कि हम 1 हफ्ते का समय देते हैं, 1 हफ्ते के बाद हम तहसील में 1 दिन का उपवास तहसील पर रखेंगे, और उसी के बाद अगली कार्रवाई के बारे में आप लोगों को। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।